हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल ऑफ इंटेलिजेंट क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट, है ना, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। और अब हम इस लेक्चर में हम कंपाउंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी कि हमें साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करें, है ना। उससे पहले जो मैंने कुछ होमवर्क दिया था पिछले लेक्चर में, है ना, अगर किसी का पिछला लेक्चर देखना बाकी है तो प्लीज़ इस आई बटन पर क्लिक कीजिए, है ना। और बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं पिछले चैप्टर के, करीबन 6 to 7 आवर्स के लेक्चर मैंने अपलोड किया, तो आप वो भी देखना। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो दिस इज थर्ड लेक्चर। सेकंड लेक्चर एंड होते होते हमने एक क्वेश्चंस ऐसे लिखे थे, है ना, कि कॉस 1 रेडियन, कॉस 2 रेडियन, कॉस 3 रेडियन, वैसे ही टेन 1 रेडियन, टेन 2 रेडियन, टेन 3 रेडियन, ये सारे ग्रेटर देन 0 है मैंने लिखे थे और पूछा था कि ट्रू है या फॉल्स, वो हमें कैलकुलेट करना था, है ना। तो इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व होते हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, 1 रेडियन इक्विवेलेंट टू 57 डिग्री होता है अप्रॉक्सीमेटली। ये एक कॉन्सेप्ट की मदद से हम 14 क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ये फटाफट कंप्लीट करके हम कंपाउंड एंगल्स पे आते हैं। अगर मैं 1 रेडियन की बात करूँ तो 1 रेडियन यानी कि 57 डिग्री, तो हाँ ये पॉजिटिव होगा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और वैसे ये भी पॉजिटिव होगा, ट्रू है ये। 2 रेडियन और 3 रेडियन की बात करें, है ना, तो 2 रेडियन मतलब 57 का डबल, 3 रेडियन मतलब 57 टाइम्स 3, तो वो अप्रॉक्सीमेटली हम देखें 1 रेडियन तो यहाँ पे आएगा, 2 और 3 रेडियन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और टेन कैसे होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं, है ना। तो मैं नेगेटिव लिख दूंगा यहाँ पर, ये होगा फॉल्स क्योंकि ये नेगेटिव होगा और ये भी फॉल्स होगा, लिख दूं मैं यहाँ पे, चलो डन। अब 4 रेडियन की बात करें हम, 10 4 रेडियन मतलब 57 टाइम्स 4 करेंगे तो वो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। 4 रेडियन कहाँ पर आएगा, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 4 रेडियन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो कॉस की बात करें तो कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, जबकि टेन कैसा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, टेन होता है पॉजिटिव, टेन कैसा होता है, टेन पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं 5 रेडियन और 6 रेडियन की, मतलब 57 टाइम्स 5 करो तो वो पहुंच जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 57 टाइम्स 5 और 57 टाइम्स 6, वो दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, है ना। तो कॉस 5 रेडियन और कॉस 6 रेडियन की बात करें तो वो दोनों पॉजिटिव हो गए, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों तो बिल्कुल सही है। पर अगर टेन 5 रेडियन और टेन 6 रेडियन की बात करें तो वो दोनों नेगेटिव हो गए, क्यों, क्योंकि फोर्थ रेडियन में टेन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, है ना। अब 7 रेडियन की बात करें, हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं पता है, 7 रेडियन भी यहीं पे आता होगा, हम ऐसा लिख देते हैं, पर हकीकत में, है ना, 7 रेडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 57 × 7 करोगे ना तो वो 360 से पार चला जाएगा, और जब 360 से ऊपर चला जाएगा तो वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी लोग कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, कि खाली 4 क्वाड्रेंट एक बार घूमने से ख़त्म नहीं हो जाते, वो हम बार बार इन्फाइनाइट टाइम्स घूम सकते हैं, है ना। तो 7 रेडियन या फिर 8 रेडियन ऐसा कुछ भी रैंडम दे दे आपको क्वेश्चन में, तो आपको दिमाग लगाना है, है ना। तो ये होगा ट्रू और ये भी होगा ट्रू, है ना, क्योंकि 7 रेडियन यहाँ पे आता है, ओके। तो ये था पिछले बार का होमवर्क जो मैंने दिया था। अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स पे, क्या होते हैं कंपाउंड एंगल्स, चलो बताता हूँ। हमने पिछले बार, पिछले लेक्चर में जो हमने देखा था 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, है ना,
तो हम एक तो हम साइन के अंदर जो भी हम एंगल रखते थे उसमें एक पार्ट फिक्स कर देते थे, वो क्या 90 या फिर 90 का मल्टीपल। पर इस बार अगर मुझे साइन ऑफ 15 डिग्री या फिर साइन ऑफ 45 डिग्री फाइंड करना हो, 75 डिग्री है ना, साइन ऑफ 75 डिग्री फाइंड करना हो, तब हमें क्या करना होगा, तब हमें कंपाउंड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। मतलब कोई भी दो एंगल का हम ऐसा मिक्सचर करेंगे, वो दो एंगल हमें पता है ना। जैसे कि 45 मुझे चाहिए, 15 मुझे चाहिए, तो 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ है ना, 15 की जगह पे। और वैसे ही यहाँ पे 45 प्लस 30 लिख सकता हूँ, तो मेरे पास ऐसा कुछ आएगा, साइन ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 45 माइनस 30, ऐसा कुछ आएगा। एंड बिलीव मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि साइन ऑफ 45 माइनस 30 जो होता है ना, ये साइन ऑफ ए माइनस बी, वो होता है साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी, बल्कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी होगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसके कुछ स्पेशल फॉर्मूला होते हैं। हम उसका डेरिवेशन नहीं देखेंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला देखेंगे, कैसे याद रखना है वो टेक्निक समझेंगे, और डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम कर सके। तो चलो सभी स्टूडेंट्स कंपाउंड एंगल का टाइटल डाल दो, चलो साइन ऑफ ए प्लस बी इसको ऐसा बोलते हैं, और दूसरा साइन ऑफ ए माइनस बी है ना। देखो कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो याद बहुत प्रिसाइजली होना चाहिए है ना, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और वैसे ही यहाँ पे माइनस है, तो ये फॉर्मूला के अंदर खाली मैं प्लस की जगह माइनस लिख दूंगा, तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट्स इट है ना। अगर इसको याद रखने की बात करूं मैं, तो साइन कैसा होता है, साइन वैरायटी वाला एंगल होता है ना, ऐसे याद रखना है। साइन हमेशा खुद को भी लेता है और कॉस को भी लेता है, इसलिए साइन ने पहले खुद को लिया एक के साथ, और फिर कॉस को भी लिया, फिर कॉस को लिया और फिर साइन को लिया है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आपको ये याद करने में ज़रा सा भी मतलब प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर, ये अप्लाई करेंगे तो अपने आप ये याद हो जाएंगे है ना। वैसे ही कॉस का होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी का, और होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी का। कॉस थोड़ा सा अजीब इंसान है ना, वो साइन जैसा फ्रेंडली नहीं है, साइन है ना बहुत फ्रेंडली, साइन बोलता है मैं खुद को भी लूँगा और कॉस को भी लूँगा, कॉस बोलता है अगर मैं पहले आता हूँ तो मैं ही आऊँगा है ना, मेरी फैमिली पहले आएगी बाद में साइन की फैमिली आएगी। तो देखो कॉस ए कॉस बी बहुत ही उल्टा इंसान है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, माइनस साइन ए साइन बी है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वो होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बिल्कुल इससे उल्टा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है ना, माइनस की जगह पे प्लस लग गया, बस यही करना था। अब हम इसके एक क्वेश्चन देखेंगे और इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलो क्वेश्चन लिखिए सभी स्टूडेंट्स, कॉस ऑफ माइनस 300 कॉस 60 प्लस साइन ऑफ माइनस 300 साइन 60। देखो क्या मैंने कैलकुलेट करने को बोला, इसको इवैल्यूएट करना है ना। तो कभी कभी क्या होता है, हमें ये चीज़ दे दी होती है और हमें ये लिखनी होती है ना। यहाँ पे
कॉस कॉस आ रहा है और साइन साइन आ रहा है ना। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि कॉस कॉस आ रहा है मतलब कॉस का कुछ फॉर्मूला है, और बीच में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, इट मीन्स कि कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होना चाहिए। देखो कॉस कॉस साइन साइन और बीच में प्लस है ना, मैंने इसको ओपन नहीं किया, मैंने इसको ऐसे कैसे रखा है। चलो मैं लिख देता हूँ, कॉस ऑफ माइनस 300 ये क्या है, ये ए है और ये बी है ना, माइनस 300 माइनस 60 ऐसा कुछ होगा। देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ऐसा ही है। तो कॉस ऑफ माइनस 360 ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखो पिछले लेक्चर का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस 360 डिग्री कितना होता है, कॉस जीरो के बराबर विच इज नथिंग बट वन है ना, सिंपल। चलो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, साइन 99 कॉस 21 कॉस 21 प्लस कॉस 99 साइन 21 यहीं पे फॉर्मूला है, आप खुद लिख के ट्राई कर सकते हो। फॉर्मूला देख देख के स्टार्टिंग में आप ट्राई कीजिए है ना, फिर आपको आ जाएगा डेफिनेटली। इसका कैसे लिखेंगे, देखो साइन कॉस है और कॉस साइन है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि कुछ वैरायटी है हमारे पास। तो वैरायटी किस में आती है, साइन में आती है। साइन कॉस कॉस साइन है और बीच में कौन है, प्लस है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि साइन है और प्लस है। तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वो क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी है ना, दिस इज नथिंग बट साइन 99 प्लस 21 कितना होता है, साइन ऑफ 120 और साइन 120 कितना होता है, कितना होता है साइन 120 रूट 3/2 है ना। देखो मैंने कैसे डायरेक्ट लिख दिया, मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। डेफिनेटली मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 होगा है ना, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, पर क्यों उतना भी टाइम वेस्ट में करूँ, मैं साइन 120 साइन 150 साइन 135 साइन 180 है ना, वो सबका मैं वैल्यूज याद रख लूँ है ना। अगर हम याद रखेंगे तो बहुत कुछ फ़ायदा होगा। चलो हमने ये छोटा सा एप्लीकेशन तो देख लिया ये फॉर्मूले का, अब हम जो एंगल मैंने स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में बताए थे साइन 15 साइन 75 वो सारे हम कैलकुलेट करते हैं है ना। ये फॉर्मूला मैं वैसे ही रख रहा हूँ, ये सब कुछ रफ कर रहा हूँ, चलो मुझे क्या फाइंड करना है, साइन 15 की वैल्यू अगर मुझे साइन ऑफ 15 की वैल्यू फाइंड करनी हो, साइन 15 डिग्री, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। डेफिनेटली साइन ए माइनस बी ऐसा होगा, साइन ऑफ ए माइनस बी वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू डाल दो। देखो मैंने ना 15 को इस तरीके से तोड़ा कि जो फॉर्मूला आ रहा है ना उसके अंदर जो वैल्यूज आ रही है उसका मुझे आंसर पता है ना। 46 माइनस समथिंग अदर एंगल ऐसा कुछ तोड़ता मैं है ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता, समझ रहे हो। तो ऐसे एंगल्स में नहीं तोड़ना, जो एंगल पता है उसमें तोड़ना, समझ रहे हो। चलो साइन 45 मतलब 1/√2, कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2 है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये पता चला √3 माइनस 1/√2 आएगा साइन ऑफ 15 डिग्री। ओके साइन 15 डिग्री की ये वैल्यू आएगी। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं एक कॉन्सेप्ट की मदद से कि साइन ऑफ 15 डिग्री
इज इक्वल टू कॉस ऑफ 75 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर है। देखो 15 75 90 होता है ना, तो साइन 15 और कॉस 75 कितना होता है, ये रूट थ्री माइनस वन बाय टू रूट टू, है ना, कि ये ऐसा हम बोल सकते हैं। अब बात आती है साइन ऑफ 75 डिग्री की, चलो उसको फाइंड करते हैं। साइन 75 डिग्री, इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 प्लस 30, क्या होगा फॉर्मूला, पहला वाला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। अब इसकी वैल्यूज डाल दो, ये होगा 1 बाय रूट टू इंटू रूट थ्री बाय टू प्लस 1 बाय रूट टू इंटू 1 बाय टू, है ना। तो इसकी मदद से हमें ये वैल्यू मिली, साइन ऑफ 75 इज रूट थ्री प्लस वन बाय टू रूट टू, है ना। तो हम जैसे यहाँ पे हमने कंक्लूड किया, वैसे ही सेम चीज़ हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 15 डिग्री, ऐसा होगा क्योंकि साइन और कॉस कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन बाय टू रूट टू, है ना। ये हो गई इम्पोर्टेंट वैल्यू। अब क्योंकि हमें साइन और कॉस पता चल चुका है, तो हमें टेंजेंट की तो वैल्यू मिल ही जाएगी, है ना। तो टेंजेंट में क्या करना है, टेंजेंट में इनका रेशियो ले लेना है। नो डाउट मैं टेन ऑफ ए प्लस बी का भी फॉर्मूला करवाऊंगा, पर उससे पहले हम और कुछ सीखना चाहते हैं, है ना, रेशियो लेकर। वैसे तो रेशियो लेने में कुछ सीखना होता नहीं, बचपन से तो करते आ रहे हो, कि टेन ऑफ 15 डिग्री अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री मैं करूँगा। साइन 15 डिग्री कितना है, रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू, और कॉस ऑफ 15 डिग्री रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू। तो इन दोनों का रेशियो लूँगा, तो ऊपर माइनस वाली टर्म आएगी, नीचे प्लस वाली टर्म आएगी, और टू रूट टू जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ रूट थ्री माइनस वन डिवाइड बाई रूट थ्री। ये वैल्यू भी गलत नहीं है, ये राइट है इसका आंसर, पर इसका और अप्रोप्रिएट फॉर्म लाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा, देखो यहां पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, थ्री माइनस वन टू, तो नीचे टू बन जाएगा और ऊपर रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना। चलो सॉल्व करते हैं, टेन ऑफ 15 डिग्री रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, मतलब थ्री माइनस टू रूट थ्री, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब प्लस वन डिवाइड बाय टू, तो थ्री प्लस वन हो जाएगा फोर, है ना, और वहां से मैं कॉमन निकालूंगा टू माइनस रूट थ्री बाय टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इससे वैल्यू मिल जाएगी टू माइनस रूट थ्री, है ना। यानी कि टेन ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉट ऑफ 75 डिग्री क्या होता है, टू माइनस रूट थ्री होता है। वैसे ही टेन ऑफ 75 डिग्री हमें मिल जाएगा, विच इज कॉट ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री, है ना। सिमिलर ऑपरेशन हम करेंगे और हमें ये वैल्यूज मिल जाएगी, है ना। चलो सभी लोग लिख लो, ये तो एप्लीकेशन था, और कुछ हमने वैल्यूज निकाली 10, 15, cot 75 का। अब हम इन चार फॉर्मूला जो है ना उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, है ना। ऑब्जर्व करने के बाद कुछ हमें मिलेगा, देखो ध्यान से।
अगर ये दो इक्वेशन साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, है ना, एलएचएस में भी और यहाँ पे आरएचएस में भी, तो मुझे क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, मैंने मल्टीप्लाई किया साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, तो यहां से मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा कुछ मिलेगा। अब कैलकुलेट करके देख लेना, डेफिनेटली आपको यही मिलेगा। फिर वैसे ही इन दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लिखूं मैं तो क्या मिलेगा, देखो कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, उसमें मिलेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। तो ये दो आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है काफी, आप लिख लीजिए, है ना। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ये जो सेकंड आइडेंटिटी है ना उसको अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना, कैसे, मतलब हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि हमें बेसिक आइडेंटिटी पता है। बेसिक आइडेंटिटी क्या है? बेसिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी वन होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या वन होता है। तो कॉस स्क्वायर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, खत्म। देखो ये ब्रैकेट्स ओपन करो तो वन और वन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये नेगेटिव में आएगा साइन, है ना। तो ये दोनों वैलिड है, ये भी और ये भी, ओके। इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, है ना, ये आ जाएगा डायरेक्टली और ये एक ही आएगा, ये याद रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना, और ये सब कुछ लिख लो आप। क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के इसी आइडेंटिटीज के ऊपर होंगे। क्वेश्चन है कॉस ऑफ एक्स प्लस 30 कॉस ऑफ एक्स माइनस 30 इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, सॉल्व फॉर एक्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉल्व फॉर एक्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, और ऐसा बोला गया है इफ सॉल्यूशंस आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा सच दैट then find alpha beta gamma delta, है ना। हमें ऐसा कुछ दिया गया है cos of something into cos of something, है ना, is equals to sine 30 degree। पहले कहा गया है कि वो x की वैल्यू फाइंड करो जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और दूसरा ऐसा कहा गया है कि अगर सॉल्यूशन ये चार है ना, हमारे पास अगर चार सॉल्यूशन है तो चारों चार सॉल्यूशन फाइंड करो, सच दैट कि ये ऐसे अरेंज किए गए हैं असेंडिंग ऑर्डर्स में और कुछ नहीं। तो हम कैसे करेंगे, है ना, देखो उन आइडेंटिटीज को देखो, कुछ आपको मिलेगा। क्वेश्चंस भी देखना, कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट गिव अ ट्राई। ये ऐसा कुछ दिया है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो हम ये कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी उसके जगह पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू साइन 30, ऐसा लिख सकते हैं। साइन 30 की तो वैल्यू हमें पता है,
तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर इज इक्वल टू वन बाई टू, है ना। तो ये वन बाई फोर उस साइड चला जाएगा, वन बाई टू प्लस वन बाई फोर। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा देखो, टू प्लस फोर सिक्स बाय एट ऐसा कुछ आएगा, तो ये थ्री बाय फोर आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू थ्री बाय फोर, है ना। अगर अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x के जगह पे हम क्या डालें, हम पाई बाय सिक्स डालें, तो cos स्क्वायर एक्स थ्री बाय फोर आएगा। मतलब हम cos 30 डिग्री ऐसा बोल सकते हैं, रूट थ्री बाय टू होगा पॉजिटिव वैल्यू गिन के, है ना। पहली चीज तो वो लिख देते हैं, इफ x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तब क्या होगा, तब होगा x इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स, है ना। पर अगर ये पूरे इक्वेशन के चार सॉल्यूशन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो चार सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करें। ऐसे देखो, cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री बाय टू आएगा, दोनों में बहुत फर्क है ना। अगर हम खाली पॉजिटिव लें तो हमें खाली पॉजिटिव सॉल्यूशन मिलेगा, पर अगर हम इस स्क्वायर को इस साइड ले जाए, है ना, स्क्वायर रूट करें, तो प्लस माइनस लिखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस रूट थ्री बाय टू भी होगा और माइनस रूट थ्री बाय टू भी होगा। कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा वो ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें कि अगर x के जगह पे हम पाई बाय सिक्स रख दे तो हमें रूट थ्री बाय टू मिलेगा, जो सबसे छोटी वैल्यू है ना चार सॉल्यूशन में, यानी कि ये अल्फा है। ओके, दूसरे क्वाड्रेंट की हम बात करें तो दूसरे क्वाड्रेंट में भी एक सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। अब आप पूछोगे कि ये कैसे पता चलेगा सर, इसमें ऐसा पता चलेगा कि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, है ना, माइनस कॉस थीटा होता है। ध्यान से देखो, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो मुझे यहाँ से पता चला कि कॉस ऑफ 180 माइनस 30 कितना होता है, माइनस कॉस 30 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दिस इज नथिंग बट, और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हम रेडियन में बात करेंगे तो बहुत सही रहेगा। तो मैं 180 की जो आदत है वो आपको बोलता हूँ कि ये पाई में भी लगा दो यार। तो पाई माइनस पाई बाय सिक्स कितना होगा, 5 पाई बाय सिक्स होगा, है ना। मैं हर एक स्टेप लिख देता हूँ, मैं पाई माइनस पाई बाय सिक्स, तो ये होगा 5 पाई बाय सिक्स। ये दूसरा नंबर का सॉल्यूशन है ना, चेक करके भी आप देख सकते हो कि कॉस एक्स की जगह पे मैं कॉस ऑफ 5 पाई बाय सिक्स ऐसा मैं बोलूँ तो कॉस ऑफ 5 पाई बाय सिक्स आएगा माइनस रूट थ्री बाय टू। यहाँ पर अटक नहीं जाना क्योंकि हमें और दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन हम ऐसा बोल सकते हैं कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा डेफिनेटली, तो ये पाई प्लस पाई बाय सिक्स है ना। पिछले लेक्चर और इस लेक्चर दोनों के कॉन्सेप्ट मैंने मर्ज कर दिया और हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये कितना होगा, 7 पाई बाय सिक्स। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये होगा गामा, है ना। अब बारी आती है डेल्टा की, डेल्टा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये जीरो को मैं 2 पाई बोल सकता हूं और 2 पाई माइनस थीटा यानी कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस कैसा पॉजिटिव होता है, तो 2 पाई माइनस पाई बाय सिक्स, है ना। ये एक वैल्यू को लेकर ही मैं चल रहा हूँ, ये कितना होगा 11 पाई बाय सिक्स, है ना। तो ये आ गया हमारा कौन सा वैल्यू, डेल्टा। तो हमारे पास चार सॉल्यूशन आ गए, है ना, देख लो ध्यान से और सब लिख डालो।
फिर हम इन चार फॉर्मूला का और कुछ एनालिसिस करेंगे, है ना, जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही और हम एनालिसिस करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, हमने पिछली बार क्या किया एनालिसिस में कि दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और कुछ फॉर्म बनाया, है ना, उसके हम उसका हमने एक क्वेश्चन किया। ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे, है ना, इनडायरेक्टली बहुत कुछ देखना, मतलब इनडायरेक्टली आप बहुत कुछ ऐसा देखोगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, है ना। अगर मैं साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी को ऐड कर दूँ तो आपको ही नहीं लगता कि ये दो टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस में है ये माइनस में है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करने के बाद साइन ए कॉस बी दो बार आएगा, है ना, तो मैं ऐसे लिख दूँ टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, है ना, पहला इक्वेशन मिला हमें इन दोनों को ऐड करने के बाद। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ दिस माइनस दिस करो तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना, तो टू कॉस ए साइन बी ऐसा मिलेगा सब्ट्रैक्शन के बाद, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस, है ना, ये दो इक्वेशन मिले। वैसे ही और दो इक्वेशन इन दोनों की मदद से मिलेंगे, मैं ऐड कर दूं दोनों को, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो टू कॉस ए कॉस बी मिलेगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस ऑफ ए माइनस बी, है ना। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी ऐसा मैं कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, दिस माइनस दिस करना है ना, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा पर माइनस ऑफ साइन ए साइन बी और यहां पे भी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी आएगा, है ना, दिस माइनस दिस कर रहा है तो माइनस ऑफ टू साइन ए साइन बी ऐसा आएगा, तो ये आपको याद रखना है ना। इसके कई अलग अलग तरीके के फॉर्म हम देख सकते हैं, है ना, अगर ये माइनस इस साइड में डाल दूं तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना, ऐसे सब भी आपने फॉर्मूला देखे होंगे अलग अलग बुक्स में, है ना, पर ये कहाँ से ये डिराइव हुआ ना, वहाँ से आप याद रखोगे ना, दैट इज़ काइंड ऑफ एटाइमोलॉजिकल अप्रोच, रूट वर्ड जिसको बोलते हैं, है ना, जो आप लैंग्वेज इंग्लिश जैसी लैंग्वेज सीखते हो जिसमें आप रूट वर्ड से सीखते हो, तो मैथमेटिक्स में भी सेम लॉजिक हम लगा सकते हैं ना, कहाँ से इसका जन्म हुआ ना वो हम याद रखें ना तो फॉर्मूला बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा, है ना, अलग से इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चार में से है ना, खाली ये तीन ही आपको याद रखने हैं, पहला फॉर्मूला और तीसरा और चौथा, है ना, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये चलेगा, बाकी ये और ये और ये फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, है ना, ये आपको याद होना चाहिए। तो चलो इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पर उसके पहले हम ये सम वाले जो फॉर्मूला है ना उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये इजीली याद हो जाए, है ना। इसको सी एन डी फॉर्मूला भी बोलते हैं, अभी जो हम डिराइव करेंगे ना, चलो अब ये सम वाले जो फॉर्मूला है उसके अंदर से हम है ना प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला डिराइव करेंगे, कैसे देखो, इसको सी एंड डी फॉर्मूले भी बोलते हैं या फिर सम टू प्रोडक्ट, है ना।
अगर मेरे पास ऐसा कुछ हो साइन सी प्लस साइन डी, तो मैं क्या करूंगा? पहले मेरे पास क्या रहता था, साइन ऑफ ए प्लस बी ऐसा कुछ रहता था, पर अभी साइन सी प्लस साइन डी ऐसा कुछ आया है, तो इसका आंसर होगा 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2, है ना। ये सारे फॉर्मूला है ना यहीं से आए हैं, है ना, पर हमें पूरा डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सी एंड डी फॉर्मूला पूरे याद होने चाहिए। अगर ये याद रह गए और ऐसे इनवर्स टाइप में याद हो गए, है ना, तो इन दोनों के क्वेश्चन जब आएंगे तब आपको है ना अलग से कुछ डिराइव नहीं करना होगा, आप फटाफट है ना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलो हम इसको याद भी रखना चालू करते हैं, है ना। याद कैसे रखेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, मैंने क्या बोला था, साइन है ना वेराइटी वाला फंक्शन है ना, वो खुद तो आता है कॉस को भी लाता है, तो साइन खुद तो आया कॉस को भी ले आया, तो इसकी सेकंड टर्म कॉस होगी। फिर अगर साइन में नेगेटिव आ जाए साइन सी माइनस साइन डी, है ना, तो वो कॉस को तो लाएगा पर उसको थोड़ा सा बुरा लगेगा कि यहाँ पे नेगेटिव आया, तो वो कॉस को पहले ही ले आएगा, बोलते मैं नहीं आऊँगा पहले, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाय 2। ध्यान से देखना कि ये जो ब्रैकेट है ना वो सेम मैं लिख रहा हूँ, है ना, और ये एंगल के अंदर है, तो ये 2 और ये 2 कट नहीं होना चाहिए, है ना, दोनों अलग अलग चीज़ है, कॉन्सेप्ट समझो कि ये एंगल की बातें हैं, जैसे ये घर की बातें घर में रहती है ना, वैसे ही एंगल की बातें एंगल में ही रहनी चाहिए, है ना, ये और ये काट मत देना प्लीज, दैट इज कॉन्सेप्चुअल एरर। साइन का तो हो गया, अब कॉस की बात करते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, मैंने कहा था कॉस कैसा फंक्शन होता है, कॉस इज सेल्फिश फंक्शन, है ना, वो बोलते हैं मैं ही मैं, मेरी फैमिली पहले, तो जैसे हम कॉस की बात करें तो कॉस सी प्लस कॉस डी वो होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2, है ना, और अगर कॉस के अंदर नेगेटिव आ गया कॉस सी माइनस कॉस डी, तो यहाँ पे जैसा सिनेरियो बना है ना कॉस सी माइनस कॉस डी, ये ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे बनेगा, कैसे देखो, माइनस ऑफ 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2, अलग अलग बुक में अलग अलग वेज में प्रेजेंट किया गया है। अगर हम ऐसे लोनी जैसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की बात करें, है ना, तो उसमें ऐसा दिया गया कि 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन डी माइनस सी बाय 2, है ना, तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे याद रहता है, कुछ को यहाँ पे माइनस साइन लगा के याद रहता है, पर हाँ याद ज़रूर रह जाता है ना, और वो भी आपको करना है कि याद ज़रूर रखना है। ओके, तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि ऐसे जब फॉर्मूले हैं उनको यूज़ कहाँ पे करना होगा और इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। चलो क्वेश्चंस लिखिए सब। तो चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। प्रूव दैट साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा कॉस 7 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा इज इक्वल्स टू 10 थीटा। चलो प्रूव कीजिए सभी स्टूडेंट्स। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहां पर? साइन सी माइनस साइन डी, है ना, पहले ये यूज करोगे और फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, फिर ये यूज करोगे। जस्ट गिव अ ट्राई और 10 थीटा आप लाने का प्रयत्न करो। चलो देखते हैं, आई होप यू हैव ट्राइड। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। 2 कॉस सी, ये सी है ना,
और ये पूरा डी है, सी प्लस डी बाय टू साइन ऑफ सी माइनस डी बाय टू। तो हमने कुछ ऐसी चर्चा की थी ना कि ये टू और ये टू है ना, ऐसे काटना नहीं है, एंगल की बातें एंगल में ही रहनी चाहिए। तो अगर हम LHS की बातें करें तो ऐसा कुछ आ रहा है, 7 प्लस 5 12, 12 थीटा बाय 2, मतलब 2 कॉस, अरे नीचे का तो रह गया है ना, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2, है ना। अभी क्या हम स्टार्टिंग में अभी अभी ये फॉर्मूला सीखा है इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे वैसे ये डायरेक्ट लिखते जाएंगे, है ना। 7 प्लस 5 बाय 2 मतलब 6, 12 थीटा बाय 2 मतलब 6 थीटा, तो 2 कॉस 6 थीटा साइन ऑफ 7 माइनस 5 2 थीटा, 2 थीटा बाय 2 कितना होगा थीटा, डिवाइड बाय यहाँ पे सेम आएगा 2 कॉस 6 थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा, देखो ये सब कुछ कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 10 थीटा, इट वॉज क्वाइट ईजी इजंट इट। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री, है ना, प्रूव करना है ना, प्रूव दैट पीटी यानी प्रूव दैट, डिवाइड बाय कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री प्लस कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 7 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 थीटा, सॉरी ये प्रूव दैट नहीं है, फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, है ना, हियर थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ध्यान से समझो थीटा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमें थीटा फाइंड करना है। चलो जस्ट गिव अ ट्राई, सेम फॉर्मूला यूज करना, कौन सा वाला देखो, साइन सी प्लस साइन डी यही फॉर्मूला दो बार ऊपर यूज करना है, और कॉस सी प्लस कॉस डी यही फॉर्मूला दो बार नीचे यूज करना है। तो चलो कर देते हैं, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी मतलब 1 प्लस 3 4, 4 बाई 2 2, है ना, कॉस ऑफ सी माइनस डी, सी माइनस डी 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 2 बाई 2 माइनस 1 डिग्री, और कॉस ऑफ माइनस थीटा तो प्लस थीटा होता है, कॉस 1 डिग्री ऐसा हो जाएगा। है ना, अब बात करते हैं इन दोनों की, साइन 5 प्लस साइन 7, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 5 प्लस 7 12, 12 बाई 2 कितना होगा 6, कॉस सी माइनस डी बाई 2, 5 माइनस 7 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1, है ना, कॉस ऑफ माइनस 1 डिग्री 1 डिग्री होगा, है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, उसका रीजन है क्योंकि आपको पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, वैसे ही नीचे अप्लाई करो, कॉस सी प्लस कॉस डी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, 2 कॉस सी प्लस डी मतलब 1 प्लस 3 4, 4 बाय 2 2, है ना, कॉस
सी माइनस डी बाई टू, वन माइनस थ्री माइनस टू बाई टू माइनस वन होगा। कॉस के अंदर कुछ भी हो हम प्लस ही लिख देंगे, है ना। प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यहाँ पे बोल देख के बोलते रहो सी प्लस डी बाई टू, फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व बाई टू, ट्वेल्व बाई टू सिक्स डी, है ना। और कॉस सिमिलरली फाइव माइनस सेवन माइनस टू बाई टू माइनस वन, और वो वन होगा। देखो ध्यान से, आपको ये नहीं लगता टू कॉस वन डिग्री कॉमन निकल के कट जाएगा, है ना। तो बचा क्या ऊपर, साइन टू डिग्री प्लस साइन सिक्स डिग्री, है ना, डिवाइड बाय कॉस टू डिग्री प्लस कॉस सिक्स डिग्री। सॉल्व कर लेते, अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे, साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब टू प्लस सिक्स एट बाई टू फोर, तो टू साइन फोर डिग्री प्लस सॉरी कॉस में टू माइनस सिक्स माइनस फोर, माइनस फोर बाई टू माइनस टू, और कॉस के अंदर जब मैं लिखता हूँ तो मैं प्लस ही लिखता हूँ, है ना, कॉस प्लस ही बना देता है उसको। वैसे ही टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, ये क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी है, ये वाला फॉर्मूला, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, टू प्लस सिक्स एट बाई टू फोर डिग्री, और ये कॉस ऑफ टू माइनस सिक्स माइनस फोर, माइनस फोर बाई टू माइनस टू, और कॉस कैसा बना देता है, प्लस बना देता है ना। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर आया टेन ऑफ फोर डिग्री। होता क्या है कि इतनी मेहनत करने के बाद जैसे ही इसके अंदर 4 डिग्री दिखता है ना, हम बोल देते हैं थीटा इक्वल टू 4 डिग्री हमारा आंसर। और दुख की बात यह है कि ऑप्शन में भी 4 आंसर में होता है, वो भी कभी कभी आपका लग बहुत ज़्यादा खराब हो तो वो ए ऑप्शन में ही थीटा 4 दे देता है, है ना, और हमारा आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन ध्यान से तो स्टार्टिंग में पढ़ा था पर आप बाद में भूल गए कि थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, थीटा किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब जो ये एंगल मेजर किया है ना वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया है, ऐसे है, देखो ये है 4 डिग्री, समझ रहे हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस से। तो हकीकत में थीटा की वैल्यू जो है ना वो कितनी है पता है, ये इतनी है, इतनी, ये कितना है 180, तो 180 प्लस 4 184 डिग्री, इतना होगा थीटा की वैल्यू, है ना। दिस इज अवर फाइनल आंसर, नॉट 4 डिग्री, सो दिस यू शुड कीप इन योर माइंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट कॉस थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा टाइम्स साइन ऑफ एट थीटा प्लस साइन टू थीटा डिवाइड बाय साइन फाइव थीटा माइनस साइन थीटा कॉस फोर थीटा माइनस कॉस सिक्स थीटा। चलो जस्ट गिव अ ट्राई, बहुत ही ईजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना, जो भी अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाए थे, फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप यू हैव पॉज्ड द वीडियो एंड यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन। चलो देखते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, ध्यान रखो लास्ट वाला फॉर्मूला है नेगेटिव वाला, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, है ना, वन प्लस थ्री फोर बाई टू टू साइन डी माइनस सी बाई टू, वन माइनस थ्री माइनस टू, माइनस टू डिवाइड बाई टू माइनस वन, मतलब माइनस थीटा, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो वो फॉर्मूला है ना सामने रखो, है ना, वो फॉर्मूला सामने रखो और मेरे साथ बोलो जो मैं अभी बोल रहा हूँ, आराम से आ जाएगा। ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में
साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी एट प्लस टू टेन, टेन बाई टू फाइव थीटा। कॉस सी माइनस डी बाई टू, एट माइनस टू सिक्स, सिक्स बाई टू थ्री थीटा, है ना। साइन सी माइनस साइन डी तो क्या होगा, टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स बाई टू थ्री थीटा, टाइम्स साइन सी माइनस डी बाई टू, फाइव माइनस फोर बाई टू टू थीटा, है ना। अब देखो कॉस सी माइनस कॉस डी, अगेन ऐसा ही फॉर्मूला लगेगा, कुछ नेगेटिव वाला, माइनस टू साइन फाइव थीटा लगेगा, कैसे, फोर प्लस सिक्स टेन, टेन बाई टू फाइव। और वैसे ही साइन में फोर माइनस सिक्स माइनस टू, माइनस टू बाई टू माइनस थीटा, है ना। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहली बात तो टू तो सभी जगह कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ से माइनस टू हो गया, यहाँ से टू हो गया। अब साइन माइनस थीटा भी होगा कैंसिल, है ना, साइन फाइव थीटा भी होगा कैंसिल, साइन टू थीटा भी यहाँ से कैंसिल हो रहा है, और कॉस थ्री थीटा भी कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब क्या, आंसर हमारा क्या आया, वन ना कि जीरो, है ना, ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी हम जल्दी जल्दी में ऐसा सब कुछ टिक कर देते हैं। चलो और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए सभी। इफ अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 19, है ना, कोई इसकी डिग्री वैल्यू मत निकालने बैठना, पता चला इसमें डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 23 अल्फा माइनस साइन अल्फा, सॉरी साइन 3 अल्फा होल डिवाइड बाय साइन 16 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा, है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो सभी स्टूडेंट्स जस्ट गिव अ ट्राई, पॉज द वीडियो एंड गिव अ ट्राई। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। चलो आई होप यू हैव पॉज्ड द वीडियो, यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम अल्फा की वैल्यू देखकर यहाँ पे अल्फा पुट अप कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वैसे पहले इसको है ना सिंप्लीफाई करना है, इट्स हाईली एसेंशियल टू सिंप्लीफाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू टू पुट दिस वैल्यू। तो साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब 23 प्लस 3 26 बाई टू 13 अल्फा, साइन सी माइनस डी बाई टू, 23 माइनस 3 कितना होगा 20, 20 बाई टू कितना होगा 10, कितना होगा। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी है तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू, 20 बाई टू 10, कॉस सी माइनस डी बाई टू, 16 माइनस 4 12, 12 बाई टू 6 अल्फा, है ना, ये आया। यहाँ से इतना तो पता चल गया ये कैंसिल हो रहा है, तो सिंप्लीफाई होने के बाद कॉस ऑफ 13 अल्फा होल बाय कॉस ऑफ 6 अल्फा ऐसा आया। देखो अब आप अल्फा की वैल्यू रख सकते हो, है ना, ऊपर भी पहले रख सकते थे, ऐसा कुछ गलत नहीं होता, पर बहुत मैसी हो जाता है ना। अब अल्फा की वैल्यू रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, कॉस ऑफ 13 पाई बाय 19 और कॉस ऑफ 6 पाई बाय 19, ध्यान से देखो 6 पाई बाय 19 और 13 पाई बाय 19 को आप ध्यान से देखोगे, उन दोनों को ऐड कर दो एक दूसरे के बीच में, है ना, अगर आप ऐड कर दोगे तो दोनों का
एडिशन का जो आंसर आएगा वो आएगा पाई। इसका मतलब क्या बैठता है कि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं। और अगर दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, है ना, तो कॉस ऑफ 13 पाई बाय 19 को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस 6 पाई बाय 19। बोलो यहां पे लिख देता हूं। कॉस ऑफ 13 पाई बाय 19 को ऐसे में लिख सकता हूं, कॉस ऑफ पाई माइनस 6 पाई बाय 19। डेफिनेटली ऐसे में लिख सकता हूं। तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि दोनों का सम क्या है, पाई है, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, ये मैंने यहां पे लिख दिया है ना, इसको ट्रांसफॉर्म करके माइनस कॉस 6 पाई बाय 19 ऐसा होगा कि नहीं, और नीचे 6 पाई बाय 19, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी और आंसर आ जाएगा हमारा -1, है ना। हमें ऐसी वैल्यूज है ना ऐसे ही लॉजिक लगा के कैलकुलेट करनी है। इसमें एलाइड एंगल्स का वापस कॉन्सेप्ट आ गया ना, 13 पाई बाय 19, 6 पाई बाय 19 डिग्री में मत कन्वर्ट करना है ना, रेडियन में ही हमें रख के सॉल्व करना होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एंड द एक्सप्रेशन इज साइन ऑफ 8 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 6 थीटा साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा इफ थीटा इज इक्वल्स टू 7.5 डिग्री। चलो सभी स्टूडेंट्स इसको ट्राई करो, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा और फिर उसके बाद फॉर्मूला ही लगा लेना है, है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे फिर उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आई होप यू हैव पॉज्ड द वीडियो एंड ट्राइड दिस क्वेश्चन। मुझे साइन कॉस ऐसा कुछ दिख रहा है ना, तो ये है ना किसी फॉर्मूला का आउटपुट है, आपको ऐसा नहीं लग रहा? देखो अगर मैं ऐसा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं सब में, 2 साइन 8 थीटा कॉस थीटा है ना माइनस साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा, यहाँ पे ऐसा मत सोचना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना, ए बी और ए बी यहाँ पे अलग अलग है, ऐसा नहीं सोचना, कोई ऐसा सोच रहा तो गलत है। 2 कॉस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये करने से फ़ायदा क्या हुआ, देखो हमने है ना कंपाउंड एंगल में लेक्चर स्टार्ट होने के बाद ही हमने कुछ फॉर्मूला देखे थे, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, है ना। तो उसके बाद है ना हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देखा, कुछ फॉर्मूला आया, फिर उन दोनों को ऐड करके भी देखा, है ना,
ऐड करके भी देखा और सब्ट्रैक्ट करके भी देखा। तो ऐड करने के बाद कुछ हमें फॉर्मूला मिला था, याद करो, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, टू साइन ए कॉस बी, है ना। तो क्या ये ऐसा ही कुछ फॉर्म नहीं दिख रहा है, टू साइन ए कॉस बी, सब कुछ भूल जाओ, यही देखो, इतना देखो, इतना पार्ट। तो टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला अलग से ताकि आपको क्लैरिटी मिले। 2 साइन ए कॉस बी ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, खत्म। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन ऑफ 8 प्लस 1 साइन ऑफ 9 थीटा प्लस साइन ऑफ 8 माइनस 1 7 थीटा, है ना। माइनस में क्या लिखेंगे हम, अगेन वैसा ही है, 2 साइन ए कॉस बी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन ऑफ 6 प्लस 3 9 थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा, ऐसा लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा, कॉस कॉस है मतलब ऐसा कुछ फॉर्मूला आएगा, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना, याद आया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस थीटा, है ना। और फिर यहाँ पे देखो साइन साइन आया है और नेगेटिव साइन, ऐसा हमने एक फॉर्मूला याद किया था जो स्पेशल था, एकदम आखिरी में था, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना, ये हमने यूज़ किया था। तो देखो तीनों जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैंने टिक करवाए थे वो यूज़ हो गए, और यहाँ पे ये माइनस साइन है ना वो कंज्यूम हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो फॉर्मूला का पार्ट है। तो माइनस टू साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी सेवन थीटा माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना, 3 माइनस 4 माइनस थीटा वो होगा प्लस थीटा, है ना, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा हो जाता है प्लस थीटा। अब देखो यहाँ से ऊपर से तो कैंसिल हो रहा है साइन 9 थीटा साइन माइनस साइन थीटा, देखो अब हमारे पास क्या बचा ऊपर, साइन ऑफ 7 थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा, है ना, डिवाइड बाय कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ 7 थीटा, ऐसा कुछ बचेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ पे आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, 7 माइनस 3 कितना होता है 4, 4 बाई 2 2। वैसे ही यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी है तो यहाँ पे होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, है ना, वैसे ही कॉस ऑफ कॉस यहाँ पे है और प्लस है तो दोनों कॉस आएगा, है ना, 3 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 4 बाई 2 2, और यहाँ पे माइनस 2 की जगह पे 2 लिख दोगे क्योंकि वो कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, टेन ऑफ 2 थीटा, थीटा क्या है 7.5 डिग्री मतलब 15 बाई 2 डिग्री है, है ना, थीटा की जगह पर 15 बाई 2 रखो, आंसर आएगा टेन ऑफ 15 डिग्री विच इज़ नथिंग बट 2 माइनस रूट 3, है ना। हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही पूरा सॉल्व किया था कि टेन ऑफ 15 डिग्री क्या होता है। तो एक क्वेश्चन आज मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ, देन विल कंक्लूड द लेक्चर। सभी स्टूडेंट्स लिखिए, अगर साइन अल्फा 5/13 है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा इज 5/13, है ना, कॉस बीटा इज -3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में
करके आना है. सो टिल देन जस्ट रिवाइज ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स. सो स्टे फिट, स्टे सेफ. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.